बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमर महमूद सिद्दीकी के साथ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका उनवान है कि क्या क़ादियानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया तस्लीम करते हैं। उमूमी तौर पर जब क़ादियानियों से इस हवाले से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे ख़त्म नबूवत पर ईमान लाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल नबीयीन तस्लीम करते हैं। याद रखें कि क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबियीन। इस आयत मुकद्दसा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबियीन कहा गया है। पूरी उम्मत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से लेकर ताहाल और क़यामत तक आने वाले तमाम उलमा का इस बात पर इजमा था, है और रहेगा कि इस आयत मुकद्दसा का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुन नबीयीन हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। बुखारी, मुस्लिम, तमाम सहासता और कुतुब अहादीस में ये बात वजाहत के साथ ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत किसी को अता नहीं की जाएगी। इस पर इंशाअल्लाह हम एक और प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे कि अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है। अलमुख्तसर यहाँ ये बात समझ लीजिए कि जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा ख़त्म नबूवत का इनकार करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इजराए नबूवत का कायल होता है तो वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज करार पाता है। आज के एपिसोड में हम सिर्फ इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या क़ादियानी वाक़ईतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया मानते हैं। तो याद रखें कि जब आप क़ादियानियों के अहद बैत को पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा है कि मेरा पुख्ता और कामिल ईमान है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ख़ातमुल नबियीन हैं। इसी तरह से जब आप क़ादियानियों के खलीफा को बयात लेते हुए देखते हैं, और हाल ही में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी की गई, तो उस बैत में भी यही जुमले अदा किए जाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया तस्लीम करता हूँ। आई हैव फर्म फेथ दैट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ख़ातमुन नबियीन, द सील ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। सवाल यह है कि जब क़ादियानी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया तस्लीम करते हैं तो फिर हमारा उनसे इख्तलाफ़ क्या है? तो याद रखिए कि क़ादियानी इजराए नबूवत के कायल हैं। ये मेरे सामने इस वक्त तफसीर बयान फरमूदा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है और इस तफसीर में सफ़ा नंबर 384 जिल्द नंबर 6 सूरतुल मोमिनून ता सूरह फातिर, इस जिल नंबर 6 में जहाँ सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 के हवाले से तफसीर को बयान किया गया, वहाँ मिर्ज़ा क़ादियानी के हवाले से ये बात वाज़ह तौर पर लिखी हुई है कि ख़ातमुन नबियीन के माना ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर के बग़ैर किसी की नबूवत की तस्दीक नहीं हो सकती। जब मोहर लग जाती है तो वो कागज़ सनद हो जाता है और मुसद्दका समझा जाता है। इसी तरह आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर और तस्दीक जिस नबूवत पर ना हो वो सही नहीं है। यहाँ पर काबिले तवज्जो बात यह है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा ने जब कभी भी ख़ातमुन नबियीन के कलमात की वजाहत की है तो वो इसी बात को बयान करते चले आए हैं कि इसका माना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी जब दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो इससे भी अकीदा ख़त्म नबूवत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसीह अलैहिस्सलाम की बेसत इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल हो चुकी है और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया और क़यामत के क़ुर्ब में आप दोबारा आसमान से ज़मीन की तरफ नुज़ूल फरमाएंगे। तमाम तर मुफस्सरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबियीन हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया है। इसीलिए अहद सहाबा में जंग यमामा हुई, मुसालमा कज़ाब के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई, असवद अनसी को अहद रिसालत में दावा नबूवत की वजह से कत्ल कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुसालमा और असवद अनसी को कज़ाब करार दिया।
रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 8 में जब आप एक गलती का इजाला जब आप इसका मुताला करते हैं तो सफ़ा नंबर 206, अब हम देखते हैं कि एक गलती का इजाला में किस तरह से मिर्ज़ा क़ादियानी ने ख़ातमुन नबीयीन के लफ्ज़ की तशरीह की है। मिर्ज़ा क़ादियानी की जमात में एक शख्स पर एक मुसलमान ने एतराज़ किया कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने तो नबी होने का दावा किया है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ातमुन नबीयीन हैं। तो उस शख्स ने जवाबन कहा कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने नबी और रसूल होने का दावा नहीं किया। मिर्ज़ा क़ादियानी ने एक गलती का इजाला के नाम से एक किताब अपने अकीदतमंद के रद्द में लिखी और कहा कि चुनाचा चंद रोज़ हुए हैं कि एक साहब पर एक मुखालिफ की तरफ से यह एतराज़ पेश हुआ कि जिससे तुमने बयात की है वो नबी और रसूल होने का दावा करता है, और उसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया, हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं है। हक यह है कि खुदा ताला की वो पाक वही जो मेरे पर नाजिल होती है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उसमें ऐसे लफ्ज़ रसूल मुरसल और नबी के मौजूद हैं ना एक दफ़ा बल्कि सदहा दफ़ा, फिर क्यों कर ये जवाब सही हो सकता है कि ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं हैं, बल्कि इस वक्त तो पहले ज़माने की नस्बत भी बहुत तसरी और तौज़ी से ये अल्फाज मौजूद हैं। बराहीन अहमदिया में भी जिसको तबाह हुए 22 बरस हुए ये अल्फाज कुछ थोड़े नहीं हैं, चुनाचा वो मुकालमात इलाहिया जो बराहीन अहमदिया में शाये हो चुके हैं उनमें से एक ये वहीउल्लाह है। अब आप देखिए कि कुरान मजीद की वो आयत मुक़दसा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, मिर्ज़ा क़ादियानी ने यह लिखा कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये वही मेरे ऊपर नाजिल हुई है। मिर्ज़ा क़ादियानी ने लिखा कि उनमें से एक ये वहीउल्लाह है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, और लिखा कि देखो सफ़ा 498 बराहीन अहमदिया, इसमें साफ तौर पर इस आजिज को रसूल करके पुकारा गया है। गोया कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने कुरान की इस आयत के बारे में कहा कि ये मेरे ऊपर नाजिल हुई है, और इस आयत में जो रसूल का कलमा ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ, मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि ये रसूल का लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद मिर्ज़ा क़ादियानी ने लिखा, फिर इसके बाद इसी किताब में मेरी नस्बत ये वहीउल्लाह है, जरअल्लाहु फ़ी हुलल अम्बिया, यानी खुदा का रसूल नबियों के हुल्लों में देखो, बराहीन अहमदिया सफ़ा 504। फिर इसी किताब में इस मुकालमे के करीब ही ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सूरतुल फ़त्ह की वो आयत मुक़द्दसा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ज़िक्र करते हुए कुरान में अल्लाह ने फ़रमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, ये कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा है। मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि यह आयत मेरे ऊपर नाजिल हुई और कहा कि इस वही में मेरा नाम नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। उसके बाद मिर्ज़ा क़ादियानी ने लिखा कि इसी तरह बराहीन अहमदिया में और कई जगह रसूल के लफ्ज़ से इस आजिज को याद किया गया है। सो अगर ये कहा जाए कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ातमुन नबीयीन हैं और तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और नबी किस तरह से आ सकता है, तो उसका जवाब यह है कि बेशक उस तरह से तो कोई नबी नया हो या पुराना नहीं आ सकता जिस तरह से आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी ज़माने में उतारते हैं और फिर उस हालत में उनको नबी भी मानते हैं, बल्कि 40 बरस तक सिलसिला वही नबूवत का जारी रहना और ज़माना आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ जाना आप लोगों का अकीदा है। मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि मसीह अलैहिस्सलाम की आमद सानी से अकीदा ख़त्म नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में तवातुर के साथ ये अहादीस मनकूल हैं और कुरान मजीद से ये बात साबित है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हयात हैं और आप नुज़ूल फरमाएंगे और क़ुर्ब क़यामत में दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएँगे। आप देखिए कि कुरान मजीद में इस आयत मुक़द्दसा के हवाले से मिर्ज़ा क़ादियानी ने लिखा, वला कि रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन, और इस आयत में एक पेशगोई है जिसकी हमारे मुखालफों को ख़बर नहीं, और वो ये है कि अल्लाह ताला इस आयत में फ़रमाता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पेश गोइयों के दरवाज़े क़यामत तक बंद कर दिए गए और मुमकिन नहीं कि अब कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई या कोई रस्मी मुसलमान
नबी के लफ्ज़ को अपनी नस्बत साबित कर सके। नबुवत की तमाम खिड़कियाँ बंद की गईं मगर एक खिड़की सीरत सिद्दीकी की खुली है यानी फना फिर रसूल की। बस जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है उस पर जिल्ली तौर पर वही नबुवत की चादर पहनाई जाती है जो नबुवत मोहम्मदी की चादर है। इसलिए उसका नबी होना गैरियत की जगह नहीं क्योंकि वो अपनी ज़ात से नहीं बल्कि नबी के चश्मे से लेता है और ना अपने लिए बल्कि उसी के जलाल से। इसलिए उसका नाम आसमान पर मोहम्मद और अहमद है। उसके माना यह हैं कि मोहम्मद की नबुवत आखिर नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मोहम्मद को ही मिली गो बुरूजी तौर पर मगर ना किसी और को। गोया कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को मोहम्मद सानी कहा और इसी किताब में सफ़ा 208 पर आगे चलते हुए मिर्ज़ा कादियानी ने मज़ीद लिखा कि गर्ज़ मेरी नबुवत और रिसालत बाएतबार मोहम्मद और अहमद होने के है न मेरे नफ्स की रूह से और ये नाम बहैसियत फनाफिर रसूल मुझे मिला लिहाजा ख़ातमुन्नबीयीन के मफहूम में फ़र्क न आया लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने से ये फ़र्क ज़रूर आएगा। फिर मिर्ज़ा कादियानी ने एक ग़लती का इजाला सफ़ा नंबर 209 पर लिखा। इसमें असल भेद यही है कि ख़ातमुन्नबीयीन का मफहूम तकाजा करता है कि जब तक कोई पर्दाए मुगायरत का बाकी है उस वक्त तक अगर कोई नबी कहलाएगा तो गोया उस मोहर को तोड़ने वाला होगा जो ख़ातमुन्नबीयीन पर है। लेकिन अगर कोई शख्स उसी ख़ातमुन्नबीयीन में ऐसा गुम हो कि बबाइसे नहायत इत्तेहाद और नफ़ी गैरियत के उसी का नाम पा लिया हो और साफ आईना की तरह मोहम्मदी चेहरे का उसमें इनेकास हो गया हो तो वह बग़ैर मोहर तोड़ने के नबी कहलाएगा क्योंकि वह मोहम्मद है गोज़िल्ली तौर पर बावजूद इस शख्स के दावा नबूवत के जिसका नाम ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद रखा गया फिर भी सैयदना मोहम्मद ख़ातमुन्नबीयीन ही रहा क्योंकि यह मोहम्मद सानी उसी मोहम्मद की तस्वीर और उसी का नाम है। मगर ईसा बग़ैर मोहर तोड़ने के नहीं आ सकता क्योंकि उसकी नबूवत एक अलग नबूवत है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा क़ादियानी ने ख़ुद को नबी कहा रसूल कहा मोहम्मद कहा मोहम्मद सानी कहा नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नबुवत का सरीह तौर पर दावा किया। याद रखें कि हदीस में वजाहत के साथ ये बात ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अना ख़ातमुन्नबीयीन वला नबी बादी मैं ख़ातमुन्नबीयीन हूँ नबुवत के सिलसिले को मेरे ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया है। एक और मकाम पर फरमाया कि ख़ुतिमा बियन नबीयून मेरे ज़रिए से नबियों के सिलसिले को मुकम्मल कर दिया गया है लिहाजा अब नबुवत के दावे की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस बात को कंक्लूड करते हुए खुलासतन मैं अर्ज़ करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं। जिस तरह से किसी ख़त पर मोहर लगा दी जाती है उस ख़त में न किसी चीज़ को दाखिल किया जा सकता है न बाहर निकाला जा सकता है। जिस तरह किसी माहदे पर मोहर लगा दी जाती है कि इस माहदे में अब ना इजाफ़ा होगा न कमी होगी इसी तरह ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिले नबुवत को अपनी मोहर से ख़त्म कर दिया है और मुकम्मल फरमा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में जिन दो लोगों ने दावा नबुवत किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कज़्ज़ाब कहा दज्जाल कहा और क़यामत तक आने वाले लोगों के बारे में ये पेशनगोई फरमा दी कि 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं जो दावा नबुवत करेंगे। इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीली गुफ्तगू हम आइंदा आने वाले एपिसोड में करेंगे जिसका मौजू होगा कि अकीदे ख़त्म नबुवत की कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई हैसियत। बस ये वाज़ेह हुआ कि क़ादियानी ख़ातमुल अंबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। हकीकी तौर पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया तस्लीम नहीं करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा क़ादियानी को नबी मानते हैं। अकीदे ख़त्म नबूवत का इनकार कुफ्र है और जो शख्स दावे नबूवत करे उसके कुफ्र में शक करना ये अमल भी इंसान को दायरा इस्लाम से नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक खारिज कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर उमैर को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।